कैमूर जिले में बालू लदे ओवर लोड ट्रकों का एंट्री कराकर उसे पार कराने का सिला बदस्तूर जारी है। इस खेल में एंट्री माफिया और चंद भ्रष्ट अधिकारी मालामाल हो रहे हैं, लेकिन सरकार के राजस्व का प्रतिदिन लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। यह मामला अब और तूल पकड़ लिया जब आज ट्रक एसोसिएशन के सैकड़ों लोग कैमूर डीएम और एसपी से मिलकर कैमूर जिले में भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों द्वारा बालू लदे ओवरलोड ट्रक को पार कराने के लिए अवैध रुपए का एंट्री चलाए जाने की शिकायत लेकर पहुंचे। डीएम और एसपी से शिकायत किया कि कैमूर जिले के सभी थाना डीएसपी और टोल प्लाजा पर लगे पुलिस और मजिस्ट्रेट प्रति गाड़ियों का एंट्री कराते हैं और जो उनकी एंट्री में गाड़ियां नहीं आती उसको पकड़कर मोटर मालिक को परेशान करते हैं। उनके द्वारा हम सभी मोटर मालिकों को ओवरलोड बालू गाड़ी चलाने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर यही हालात रहे तो हम सभी मोटर मालिक 20-25 लाख रुपए ट्रक खरीदने में लगाते हैं, फिर भी बर्बादी के कगार पर आ गए हैं। आप कैमूर जिले में चल रहे एंट्री के खेल को बंद कराए, नहीं तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। ट्रक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सहित ट्रक मालिकों का कहना है कि बालू लदे ओवरलोडेड वाहनों को कैमूर जिले में पार्क कराने के लिए एंट्री का खेल काफी दिनों से चल रहा है, जिसमें मोहनिया डीएसपी को एक ट्रक का प्रतिमा 6,000, प्रत्येक थाना को 5,000 एंट्री देना होता है। उसके साथ ही थाने के गश्ती गाड़ी को प्रत्येक गाड़ी 500 देने के बाद ही हम लोग बालू के अवैध और ओवरलोड ढुलाई जिले में करते हैं, तब इन अधिकारियों द्वारा नहीं पकड़ा जाता। अगर इनके साथ इस एंट्री के खेल में शामिल नहीं होता तो उसे परेशान किया जाता है। इसलिए हम लोग डीएम और एसपी को आवेदन देकर कैमूर जिले में बालू के चल रहे अवैध एंट्री को बंद कराने की गुहार लगाने आए हैं और 24 घंटे मोहनिया टोल प्लाजा पर बालू लदे ओवरलोड वाहन को रोकने के लिए प्रतिनियुक्त किए गए स्टेट और पुलिस बल को प्रति ट्रैक 1500 दिया जाता है। इस तरह से हम लोगों को एक गाड़ी पर 60,000 से 70,000 का खर्च बालू मंडी पहुंचाते हो जाता है। हम लोग सरकार के फरमान और जिलाधिकारी के फरमान के अनुसार अंडरलोड चलाना चाहते हैं, लेकिन जो गाड़ियां अंडरलोड चलती है और जिनकी एंट्री में शामिल नहीं होती उनको इन लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, जिससे मजबूर होकर हम लोग ओवरलोड चल रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम लोग मजबूर होकर आमरण अनशन करेंगे। वहीं ट्रक एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह बताते हैं कि हमारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा ओवरलोड वाहनों के परिचालन से त्रस्त होकर आज सपरिवार आत्मदाह करने का जिलाधिकारी को पैच आज सब परिवार आत्मदाह करने का जिलाधिकारी को आवेदन देकर गुहार लगाया गया था। यह सुनने के बाद हम लोग सैकड़ों की संख्या में मोटर मालिक यहाँ पहुंचे और कैमूर डीएम और एसपी के आवेदन को देकर गुहार लगा रहे हैं। जिले में गाड़ियों को अंडर लोड करा दिया जाए, नहीं तो हम मोटर मालिक भूखे मर रहे हैं, फिर हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचाएगा। एंट्री के खेल में हम सभी बर्बाद हो रहे हैं। कैमूर से अजीत कुमार की रिपोर्ट। तमाम तंत्र लगे हैं फिर भी ओवरलोडिंग रुक नहीं रहा है, माजरा क्या अध्यक्ष हैं थोड़ा सा बताएंगे? सर, ओवरलोडिंग रोकने के लिए कि हमारा रक्षक ही भचक बने हुए हैं, जो कि 10,000 का होमगार्ड ड्यूटी करने वाला वो 5 लाख रुपया महीना कमाता है और हम 40 लाख की मोटर लेकर के मुझे 10,000 रुपया नहीं मिलता है, क्योंकि प्रत्येक गाड़ी मेरा 9200 रुपया डेयरी से लाने में खर्चा है। और डेयरी से खर्चा क्यों है, जो कि मेरा रक्षक ही अगर भचक बन जाता है तो मुझे वहाँ पकड़ करके मैनेज करना 1 लाख 2 लाख 20,000 30,000 जितना भी मिला उससे रोकना और छोड़ देना। अगर वही अधिकारी ईमानदार होते तो मुझे अगर रोक करके मुझे बंद करते, जहाँ उनकी जगह बनी है बंद करने के लिए सेलटेक्स में, अगर कहीं गाड़ी वहाँ मेरी बंद होती तो मैं दोबारा लोडिंग करने के लिए नहीं जाता। यही कारण है बढ़ावा देना, ओवरलोडिंग का बढ़ावा देना सिर्फ कौन है तो प्रशासन है। मोटर मालिक तो ओवरलोडिंग लादने के लिए तो जरूर इच्छुक है।